भाई 99 में दो पिज्जा? सच कह रहे हो क्या? मजाक तो नहीं कर रहे? कोई आएगा तो बदल तो नहीं जाओगे? तो गाइज ये देख सकते हो आप यहाँ का मेन्यू बंद कर रखा है, यहाँ पे बर्थडे पार्टी किट्टी पार्टी। भाई क्या नाम है आपका? अमन। दो मिनट चल रहा है 99 पे दो। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आप सोच रहे होंगे कि एकदम से मैं यहाँ कहाँ पर आ गया, तो गाइज मैं कहीं और नहीं आया, मैं अपने दोस्त के कैफे में आया क्योंकि उसका तो कैफे वो न्यू खुला है और गाइज बहुत धूम मचा रहा है इसका कैफे, है ना। तो मैं आज रिव्यू देने के लिए आया हूँ एक कैफे का, ठीक है। तो चलते हैं सीधा ओनर से बात करते हैं और थोड़ा आपको उनकी जो मर्चेंडाइज है सब कुछ दिखाते हैं और मिलते हैं। तो गाइज मिलिए हमारे जीते भाई से। जीते भाई क्या हाल है? बस ठीक है। तो भाई यही है यहाँ के ओनर, इन्हीं का कैफे है ये। और गाइस जो डेकोरेशन आप देख सकते हो, डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है, स्टार वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है। और यहाँ अपन एक कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं यार, ठीक है। तो बस ये डेकोरेशन देख लो पहले आप, मतलब अच्छी खासी डेकोरेशन कर रखी यार। बंदी के साथ मैं आओ, फोटो वोटो खिंचवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपने ओनर तो खड़े ही है यहाँ पे। बाकी भाई सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा रखा है ताकि हमारे जो कस्टमर हैं वो बोर ना हो, ठीक है। पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है यार, चटनी वटनी सब मिलेगी यहाँ पे, है ना। और भाई ये देखिए, ये है हमारे शेफ अरुण सिंह, ठीक है। इनको पर्सनली जानता हूँ मैं, काफ़ी बढ़िया बंदे हैं और काफ़ी तगड़ा पिज्ज़ा बनाते हैं ये भाई। शक्ल देख लो, जहाँ पे मिले रोड पे पिज्ज़ा बनवा दो इनसे ना भाई। गाइस जोक सफर, लेकिन जो यहाँ का पिज्ज़ा है एक नंबर है और मैं आता रहता हूँ यहाँ पे और मेरा भी फेवरेट है पिज्ज़ा। मैं वो लास्ट में बताऊँ कि मेरा कौन सा फेवरेट पिज्ज़ा है। बजट के अंदर है, मेन बात यह है कि अगर आप अपनी फ्रेंड्स या फैमिली या गर्लफ्रेंड को लेके आते हो तो भाई सब पॉकेट फ्रेंडली रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके जेब के अंदर रहेगा और प्लस आप थोड़ा सा एंजॉय कर लोगे। बाकी गाने वगैरह है और भाई साहब ओनर के बारे में तो क्या ही कहने, भाई साहब ये हमारे पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। अगर किसी को बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी किसी को भी हाँ अगर करनी है तो एक बार यहाँ पे हमारे से जरूर कॉन्टेक्ट करें, ऑफर बहुत ही बेस्ट डिस्काउंट देंगे। बात करते करते हम यहाँ पे एक सहकर्मी हो रहे हैं इनके, तो इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अमन। तो भाई अमन भाई है, मेरे सुनाई में है कि जो यहाँ के तगड़े तगड़े पिज्जे होते हैं यही बनाते हैं भाई साहब, इनके हाथों में है जादू, इनसे बाद में बात करेंगे। तो आ जाते हैं अपने ओनर पे, ये बजीते भाई थोड़ा सा लगे हुए हैं जोमेटो वोमेटो के जो ऑर्डर आ रहा है उसको थोड़ा सा सेटअप करने में लगे हुए हैं इस टाइम। तो जीते भाई अपने यहाँ पे ऑफर क्या क्या चल रहा है इस टाइम पे? ऑफर है अभी 99 रुपए में दो पिज्जे। भाई 99 दो पिज्जा? यस। सच कह रहे हो क्या? मजाक तो नहीं कर रहे? कोई आएगा तो बदल तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 99 दो पिज्जा मिल जाएंगे? स्मॉल पिज्जा 99 में वो सब भी लो। अच्छा, तो बात करते हैं यहाँ पे कस्टमर से जो पिज्जा इंजॉय कर रहे हैं। गाइस सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक चीज पूछनी है कि आप यहाँ पे, मैंने सुना है कि आप रेगुलर आते हो, तो आपको यहाँ का पिज्जा वगैरह कैसा लगता है? मतलब जब से ये पिज्जा खुला है यहाँ पे हंगरी कैफे, अच्छा लिटरली बताऊँ ना, बहुत सुपर ब्रिलियंट और यहाँ की सर्विस दे और लोग तो डिशेस दे, अच्छा लाइक अ पिज्जा, अच्छा अच्छा काफी सारी चीजें और काफी नेगोशिएबल प्राइस पे। मैं एवरीडे आता हूँ, अब देख लो रात हो गई, अच्छा अब मैं घर पे खाना नहीं खाया, मैं यहीं पे आके मतलब थोड़ा बताओ गाइस पेट फुल हो जाएगा। ये तो है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बेटर है पिज्जा यहाँ का, दिल्ली में सबसे बेस्ट सर्विस है इनकी और यहाँ पे मतलब एकदम एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत सुपर है। तो गाइस देख रहे हो कस्टमर ये बात बोल रहे हैं, अगर कहीं किसी बिजनेस में कस्टमर ये बात कह रहा है ना किसी जगह के लिए किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, तो भाई दिल से कह रहा होगा। तो भाई यही है कि बस भाई लोगों को थोड़ा एंजॉय करने देते हैं, क्यों इनका दिमाग खराब करें, ठीक है। तो भाई जीते भाई के ऊपर आ जाते हैं हम। तो जीते भाई क्या मैं सही सुन रहा हूँ कि 99 में दो पिज्जा है यहाँ पे? यस। तो भाई ये ऑफर कब से चल रहा है अपना? तो गाइज ये देख सकते हो आप यहाँ का मेन्यू, जिसके अंदर सारी चीजों के प्राइस जो भी है मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। जो भी ऑफर से वो इस पे लिखे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चीज है यार आप पीते हो ना, फास्ट फूड में सारे आइटम यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ के ओनर से बात कर लेते हैं। तो भाई मान लो कि किसी का बर्थडे है या उसकी जीएफ का बर्थडे है, उसको कोई भी छोटी मोटी सेलिब्रेशन यहाँ करनी हो, तो भाई उसके लिए कैसी थीम है?
सारा प्रबंध कर रखा है यहाँ पे, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी और एनिवर्सरी पार्टी जितनी भी होगी सारा माहौल व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, और आपको दो दिन या तीन दिन पहले कॉल करके बताना पड़ेगा हमको। अच्छा, हम सारी डेकोरेट करते हैं, गुब्बारे वगैरह सारी डेकोरेट हो जाएगी। और खाने पीने के लिए यहाँ पे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, पास्ता, हर एक चीज है आपके पास, सारी चीजें अवेलेबल है। और ये हमारा मेन्यू है, स्पेशल ऑफर फैमिली के लिए कॉम्बो और सबसे ज्यादा स्पेशल ऑफर हमारे पास है। ठीक है, रेट मिनिमम कम से कम में होगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस मेन चीज तो ये आती है कि आपको कहीं बाहर सेलिब्रेशन करनी है तो यार आपको बजट देखना पड़ता है। अगर आप किसी भी छोटे मोटे कैफे में भी जाओगे ना तो 10-12 हजार रुपए का आपका खर्चा बिठा देंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ उतने पैसे भी नहीं लगेंगे आपके, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है। और भाई मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ जैसा प्राइस लिस्ट कहीं पर भी नहीं देखी होगी आपने। और भाई जैसी जो फैसिलिटी भाई जो दे रहे हैं, इनके बात करने का तरीका, इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है भाई साहब एक नंबर है। मैं तो लेकिन जो भी है अच्छा होने वाला है, आप आइए गर्लफ्रेंड को लेके। अगर मान लो आप बुक भी नहीं करना चाहते तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके थोड़ी देर बैठ सकते हो। बाकी जो है गाइस आपसे मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में ब्लॉग के अंदर। तो गाइस जय श्री राम, जय श्री राम।